नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पुणे के रहाटनी सेवा केंद्र के हुए 25 साल पूरे। संस्था के मुख्यालय में मना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चला सड़क सुरक्षा अभियान। 50,000 लोगों को यातायात नियमों की पालना के प्रति किया जागरूक। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में लगा 5 दिवसीय शिव दर्शन मेला। 32 फीट ऊंचा शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र। आज एक नजर में होंगे देश भर में चलाए जा रहे कई अभियानों से जुड़ी खबरें। पुणे के रहाटनी सेवा केंद्र के 25 साल पूरे हो गए हैं। रहाटनी सेवा केंद्र से जुड़े लोगों का यह खुशी का पल तब यादगार बन गया जब इसका सेलिब्रेशन संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बी के जयंती, सह मुख्य प्रशासिका बी के मुन्नी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के गीता, बी के डॉक्टर सविता, बी के हंसा की मौजूदगी में मनाया गया। झूमती है दिशाएं, हवाएं गुनगुनाए, सात सुरों में गाए, महकती है फिजाएं। मुझे याद आता कि साकार बाबा पूना के लिए एक बहुत विशेष शब्द कहते थे, वो था पूना है प्यार का ऊना। ऊना समझा, बहुत गहरा जो होता है उसको बहुत बहुत गहराई से जाना जाता, तो पूना के अंदर वो गहरा गहरा बाबा का प्यार समाया हुआ है जिसका हम फल स्वरूप देखते हैं। आप सभी की आज सिल्वर जुबली है तो आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। वर्षा बहन को, पुष्पा बहन को भी खास मुबारक हो। हम सभी रहाटनी सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली मना रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सेलिब्रेशन से पूर्व रहाटनी सेवा केंद्र प्रभारी बी के वर्षा ने संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व रहाटनी सेवा केंद्र से जुड़े 250 भाई बहनों ने पांडव भवन में 3 दिन की भट्टी की। वहीं उन्होंने संस्था के सह मुख्य प्रशासिका बी के शशि और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के शीलू से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान का समापन हो गया है। इसके समापन अवसर पर सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा चलाए गए इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आज समाज को ऐसे अभियानों की सख्त जरूरत है। आपने अगर पूरा साल भर में काम किया और सिर्फ एक व्यक्ति सुधर गया तब भी मुझे ऐसा लगता है कि इट इज वर्थ इट, क्योंकि उस व्यक्ति की जान भी रहती है वो बड़ी मूल्यवान रहती है। एक व्यक्ति की जान जो रहती है बड़ी मूल्यवान रहती है। गगन के छोड़ भारत ने भरी उड़ान है। यातायात नियमों की पालना और शांत एवं एकाग्र मन ही सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने की असली गारंटी है। यही संदेश ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान 50,000 लोगों को दिया, जिसमें से 5,000 लोगों को यातायात नियमों की पूर्णता पालन करने और व्यसनों का सेवन न करने की प्रतिज्ञा भी कराई। सरगुजा संभाग के प्रभारी बी के विद्या के मार्गदर्शन में 4 दिनों तक चले इस अभियान ने 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए स्कूल, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप जैसे अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन करके सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई। बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है,
स्वर्ग धरती पर ही बनाना है, नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन सौ सौ है। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है। इस अभियान का शुभारंभ राज्य मंत्री पद का दर्जा प्राप्त अजय अग्रवाल, महापौर डॉक्टर अजय कुमार तिर्की, जीआरटीओ ऑफिसर सीएल देवांगन, सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या समेत शहर की जानी मानी हस्तियों द्वारा हुआ था, जिसमें अजय अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने शिव ध्वज फहरा कर एवं गुब्बारे उड़ाकर मोटरसाइकिल रैली को रवानगी दी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में पहली बार 5 दिवसीय शिव मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को 32 फीट ऊंचे शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों का एक ही स्थान में दर्शन करने का मौका मिला। इस पूरे मेले के दौरान 60 से अधिक वीआईपीज ने अवलोकन किया, जिसमें से महिला विकास कमेटी की चेयरपर्सन प्रतिभा बेन आर्जेन, भाजपा गुजरात महामंत्री विक्रम चौहान, गुजरात कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हिमांशु पटेल, वेस्ट अहमदाबाद के डिप्टी कलेक्टर जेबी देसाई, म्यूनिसिपल काउंसलर अरुण सिंह राजपूत, रीताबेन पटेल, चांदखेड़ा पुलिस इंस्पेक्टर साबरमती देसाई प्रमुख थे, जिनसे सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता और बीके कोकिला ने मुलाकात करते हुए संस्था का संक्षिप्त में परिचय दिया और ईश्वरी साहित्य भेंट किया। इस मेले में वैल्यू गेम्स, व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी, वीडियो शो, राजयोग मेडिटेशन चित्र प्रदर्शनी, चैतन्य देवी देवताओं की झांकी भी लगाई गई, जिसका 10,000 से भी अधिक लोगों ने अवलोकन किया। राजकोट में अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र द्वारा समाज सेवियों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य परिवहन मंत्री माननीय अरविंद भाई प्रयाणी, पुरुषार्थ युवक मंडल के प्रमुख किशोर भाई राठौर, राजकोट के ठाकुर साहब श्री मानता जी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मानता जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्था पूरे विश्व के लिए नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं संस्था की शिक्षा को नमन करता हूँ। आगे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और बीके रेखा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन से होने वाले फायदे बताए। कार्यक्रम के अंत में कोरोना काल के दौरान गरीब और असहाय लोगों की मदद करने वाले समाज सेवकों को सम्मानित भी किया गया। अब कुछ खबरें एक नजर में। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तावड़े, नॉर्थ गोवा के सेक्रेटरी गुरुप्रसाद पावस्कर से गोवा की प्रभारी बीके शोभा और पोरवोरियम की प्रभारी बीके विनीता ने की मुलाकात। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मकुमारीज द्वारा की जा रही सेवाओं की दी जानकारी। बीजेपी कार्यालय में आयोजित सत्यनारायण की पूजा में बीके बहनों को निमंत्रण। बीके शोभा और बीके विनीता पूजा के दौरान रही उपस्थित। गोवा के पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पांडुरंग मडकईकर से हुई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। गोवा के मालवान में बीके नीलिमा ने मोहन भाई स्कूल के बच्चों को राजयोग मेडिटेशन की दी जानकारी। राजयोग द्वारा मन को सकारात्मक और एकाग्र करने की कही बात। गोवा के लॉर्डर्स कॉन्वेंट में बीके बहनों ने नंद से की मुलाकात। राजयोग मेडिटेशन द्वारा गॉड फादर से शक्तियां लेकर जीवन को खुशहाल बनाने की बीके कौस्तुभ ने कही बात। बीके शोभा ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की दी जानकारी। गोवा के पणजी स्थित कराटे एकेडमी के स्टूडेंट्स को बीके बहनों ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन की शक्ति को बढ़ाने का दिया संदेश। पानीपत के ज्ञान मान सरोवर में दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य जागृति सम्मेलन। विधायक बलवीर ग्वालरा समेत 500 से अधिक लोग हुए शामिल। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण बाला समेत कई चिकित्सक रहे उपस्थित। ज्ञान मान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने बताई हेल्थ की संपूर्ण परिभाषा। डॉक्टर किरण बाला ने क्रोध करने से ब्रेन पर पड़ने वाले प्रभावों की दी विस्तार से जानकारी। विधायक बलवीर ग्वालरा ने स्वास्थ्य को बताई सबसे बड़ी पूंजी। ज्ञानमान सरोवर के सामने 6 एकड़ में बनने वाली बीके कॉलोनी का भी हुआ शिलान्यास। पंजाब जोन प्रभारी बीके प्रेम, पानीपत सर्किल प्रभारी बीके सरला के कर कमलों से लगी नींव। मणिपुर की राजधानी कोहिमा सेवा केंद्र में लगा रक्तदान शिविर। ब्लड डोनर एसोसिएशन और नागा हॉस्पिटल के ब्लड बैंक डिपार्टमेंट का संयुक्त प्रयास। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी को किया याद। डॉक्टर अविला ने ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं को सराहा। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा जम्मू कश्मीर की 92 ब्रिगेड में वर्कशॉप। ब्रिगेडियर अनिल ककदयाल, कर्नल सौरभ शर्मा समेत मौजूद रहे बड़ी संख्या में जवान।
वरिष्ठ राजू की बीके रविंद्र, बीके रमा और बीके विनीता ने राजू मेडिटेशन टेक्निक पर डाला प्रकाश। ऑफिसर्स ने भी माना मेडिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी। बीके सदस्यों ने रोजाना राजू मेडिटेशन करने की अपील। ऐसे ही जम्मू स्थित गोदरेज कंपनी के कर्मचारियों को बीके बहनों ने दिए हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स। एचआर मैनेजर अनिल हंसा भी रहे मौजूद। ओम शांति मेडिटेशन सेंटर की बीके विनीता ने सभी से राजू मेडिटेशन का साप्ताहिक कोर्स करने की अपील। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।